तुम मेरे आका। अरे वाह वाह वाह, कमाल की जगह है। वाह आंटी, कितने दिनों के बाद हम एक साथ घर से बाहर निकले हैं ना। अरे क्या करें, इतने दिनों बाद तो प्रोफेसर साहब हमें आजादी से पिकनिक मनाने लाए हैं। हाँ, पहले तो गुलाम बना के ले आता था। ओफो, मैंने ऐसे थोड़ी कहा। वाह क्या गुफा है ना। हाँ। इसमें कितनी ठंडक है। तो एक काम करना, तू यहाँ पे अपना घर बना ली। ये? अरे गुस्सा क्यों हो रहा है, वो तो तुझे इनडायरेक्टली शेर कह रहा है भाई। कैसे? ओफो, गुफा में कौन रहता है, शेर ही तो रहते हैं। ओ यस, शेर। देखा, गुफा में चमगादड़ भी रहते हैं। तू यहाँ बहुत अच्छी तरह से रह सकता है चिली। अरे चलो यार, बहुत जोरों की भूख लगी है, अब खाना। अरे प्रोफेसर साहब चिंता मत कीजिए, हमारी गाड़ी में खूब सारा सामान पड़ा है। चलो चलो चलो, चलो। ओ, अरे 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 वो देखो, पेड़ के नीचे कालू बाबा धुनी जमाए बैठे हैं। हाँ? हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं। अगर उनकी कंसंट्रेशन बिगड़ गई तो वो श्राप दे देंगे। अरे यार, आजकल ऐसे तपस्वी कहाँ जो श्राप देने लगे, ये तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं। अभी देख, मैंने 5 रुपए फेंकूंगा और एक ऐसे दबा के बैठ जाएगा। अरे ये वापस ऐसे आ गया। अरे आंटी जल्दी करो ना, भूखे भजन ना होए गोपाला। अरे वाह मोटू भैया, आपके ऐसा पापी आदमी भी भजन करना शुरू हो गया। अबे ये भजन नहीं है, ये कहावत है। आंटी जल्दी करो ना, बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है तो भौंको। अंकल मैंने अपने हाथों से पराठे बनाए। पराठे? मुझे 4 पराठे दे। 4? ज्यादा है। अच्छा ठीक है, 3 दे दे। 3? मेरे हाथ के 3 पराठे खा लेगा तू? ओहो, लगता है इसने मोटे पराठे बनाए। काफी है। चल ठीक है, 2 ही दे दे। 2 पराठे डाइजेस्ट कर लेगा तू? अरे मेरे डाइजेशन को लेकर कंफ्यूज क्यों कर रही है, चल 1 ही पराठा दे दे। अब तू 1 खाकर भी क्या करेगा, तू कुछ और ही खा ले। खा ले, खा ले। अरे तू मीनाक्षी के पराठे छोड़। विंकी देख, मैं तेरे ना मन पसंद की चीज लाई हूँ आज। क्या क्या बताओ? बेल। बेल? वाओ, आपको कैसे याद रहा लाना? ओ ओ माय गॉड, अरे बेल में डालने के लिए नींबू तो मैं लाना भूल ही गई। ओह नो। अरे यार अभी बिना नींबू के बेल में क्या मजा आएगा। अब क्या करूं मैं? आप भी ना अंकल की वाइफ हो। खबरदार अगर मुझे बीच में घसीटा है एक छोटे से नींबू को लेकर। यहाँ पर किसी का घर नहीं है क्या? क्यों, तो तू उससे जाकर नींबू ले आता। अरे नहीं यार, वो घर के बाहर नींबू और मिर्ची लटकते हैं ना, उसमें से नींबू ढाप लेता। अरे यार मैं अभी ले आता, मैं अभी यूं गया यूं लेकर आया। आप कहाँ से लाएंगे? अरे कहीं पे दुकान होगी, मिल तो जाएगा। नींबू कौन सी बड़ी बात है यार, कोई खजाना थोड़ी है जो नहीं मिलेगा। अभी लेकर आता हूँ। वेट फॉर मी। अरे अरे नींबू, कितने सारे नींबू। अरे नींबू वाले भाई साहब कैसे दिए? अरे कमाल है यार, दुकान में कस्टमर खड़ा है और आंखें मूंदे बैठा हुआ है। ए चिरकट, ए गुजराती में कहावत है, धंधा पर सुई गया तो धंधो सुई जैसे। समझ में नहीं है फिर भी आंखें बंद है। अरे भैया हिंदी में समझाता हूँ, अगर धंधे पर आंखें बंद करके सोए रहोगे तो धंधा भी सो जाएगा। अबे यार मैं यहाँ भावताव करने के लिए खड़ा हूँ और तू भाव खा रहा है। ए मुझे भी ताव आ जाएगा। कितने की दिए नींबू यार? अरे भैया सुनो, देखो बाजार में है ना नींबू 1 रुपए का 1 मिलता है, मैं तुझे 2 रुपए दूंगा। हैं 2 रुपए? अब तो सुन। अच्छा यार सोते रहे, मेरे को क्या है, ये ले तेरे 10 रुपए और ये 5 नींबू मैं ले लेता हूँ। अच्छे हैं यार, ताजे हैं, किस पेड़ से तोड़े। अच्छे जा, तू भी क्या याद करेगा, ओए नहीं सुनता है। दे दिया 10 रुपए रखे हैं, 5 नींबू लिए। बेवकूफ इंसान, मेरी तपस्या में विघ्न डाला, मेरे मंत्र किए 5 नींबू ले गया। 5 दिन के अंदर तू तड़प तड़प कर मरेगा।
तड़प तड़प कर मरेगा। ओपो आंटी, अभी तक अंकल नींबू लेके नहीं आए। अरे मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो नींबू लेके वो सीधा घर चले जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता, हो चुका है। पता है एक बार उनके ऑफिस वालों ने डिसाइड किया कि सब मिलके वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे और सब्जियां खरीदने के लिए प्रोफेसर साहब को भेज दिया और उन्होंने पता क्या किया है? सब्जी खरीद के सीधा घर चले आए। अरे मुझे मेरे फैमिली वाले मिल गए। काम से भटक रहा था। वो आप बुलाए? क्या? अरे जिसे खरीदने गए थे। अरे यार मैं पिकनिक मनाने आया हूँ या खरीदने आया हूँ? ओफो अंकल, वो जो आप नींबू लेने गए थे ना भेल के लिए, वो दीजिए। एक नहीं पांच पांच नींबू लेकर आया हूँ। पूरी भेल को बदल डालूंगा। ये लो भाई। यस अचानक डैड को क्या हो गया? संभालो अपने आप को, मेरा हेलीकॉप्टर आ गया है। बचो। प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं आप ये? मेरा हेलीकॉप्टर लैंड हो गया। अरे रे रे रे, अरे रुक जाइए, एक काम कीजिए वहाँ जाके बैठ जाइए, आराम कीजिए। नहीं, बैठकर आराम नहीं, काम किया जाता है, लेट के आराम किया जाता है। मैं लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ, लेट जाओ। नहीं। क्यों? हेलीकॉप्टर कैसे लेट सकता है, मैं तो हेलीकॉप्टर हूँ। अरे बस 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 प्रोफेसर साहब, प्लीज प्रोफेसर साहब एक काम कीजिए, आप सच में जाके वहाँ लेट जाइए, लेट जाइए ना, प्लीज प्लीज लेट जाइए ना। ये ट्रेन क्यों रुक गई? अंधेरी आ गया क्या? अंधेरी आ गया? नहीं नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में तो अंधेरा छा गया। अरे आपको क्या हो गया प्रोफेसर साहब? अरे यही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हो गया है तुझे? हरभजन? हरभजन? अरे वर्ल्ड कप नहीं जीतना है तुझे, तुझे कह रहा हूँ मोटे। ये ले बैट ले बेटा, ये बैट ले और पिच पे जा, इस बार वर्ल्ड कप हमी को जीतना है। ओके। अबे टाइगर ओके। अच्छा तू रुक जा ना, मुझे दे, ये कपिल देव इस बार वर्ल्ड कप लेकर आएगा, तो बॉलिंग कर। चलना यार। या। मेरी तपस्या में विघ्न डाला, अब बिना विघ्न तू दौड़ेगा। दौड़ 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 दौड़। सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाला तू ही होगा। दौड़ 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 दौड़। एक मिनट क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए रुक जाइए। अरे आप कौन हैं? आप अब वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है? विश्वक मेरे साथ बात बात कीजिए, लिटिल मास्टर से बात कीजिए, मुझे रन लेने दीजिए। अरे इतिजा के बाद दौड़ने में तेरा ही नाम होगा। दौड़ 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 दौड़। रुक जाइए मैं कहती हूँ, रुक जाइए यहीं पर। थक गया? अब आएगा मजा। गिर गया। क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब होगा। आई 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 आई। क्या हुआ? धुई में सुई चुप गई। आई सुई चुप गई? कहाँ चुभी? अरे यहाँ वहाँ क्या कर रहे हैं आप? आप ठीक से बताइए ना कहाँ? नहीं, आंखें फोड़ूंगा तो तू ये तड़प कैसे देखेगा? सब उल्टा हो जाएगा। अरे हाँ उल्टा,
उल्टा हो जा। आई आई आई, मेरे कान कौन खींच रहा है? नाक में उंगली कौन डाल रहा है? ये अरे यार, समझ में नहीं आ रहा डैड को हुआ क्या है। अगर तेरे समझ में आ भी जाता तो तू क्या कर लेता? अरे कुछ ना कुछ तो करता है ना, आखिर वो मेरे डैड है। मैं भी कुछ ना कुछ करूंगी ही, आखिर वो मेरे अंकल है। बोल दिया। हाँ हाँ बोल दिया, मगर अब आगे भी तो बोलो। अरे डैड की यह हालत देख के मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। पर सोचना तो बंद नहीं हो गया ना। सोचो अंकल की हालत कब खराब हुई, जब वो नींबू काट रहे थे। अरे कहीं उस नींबू में। मेरी मम्मी जी भी बहुत बार कह चुकी है कि आदमी जंतर मंतर करते हैं नींबू पर और आदमी को नींबू मार देते हैं। कहीं अंकल को भी किसी ने नींबू तो नहीं मार दिया? ये तो अंकल ही बता सकते हैं। मगर अंकल की ऐसी हालत ही कहाँ है कि वो कुछ बता सके। वो बताएंगे, जरूर बताएंगे। क्या हुआ तुम्हें? सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग, सबसे ऊंचा बिल्डिंग, इस पर मैं चढ़ूंगा। इस पर आप चढ़ेंगे ना तो नीचे गिर जाएंगे। नहीं गिर सकता मैं, नहीं गिर सकता, क्योंकि मैं स्पाइडरमैन हूँ। क्या कर रहे हैं आप? चढ़ गया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर मैं चढ़ गया और यहाँ से मैं कूद पड़ूंगा। स्पाइडरमैन छलांग नहीं लगाता है, स्पाइडरमैन ना चल के आता है। और आप भी अच्छे बच्चे बनके वापस चलकर अपने बेड पर आ जाएं। नहीं, मैं उड़ कर आऊंगा, क्योंकि मैं सुपरमैन हूँ। मॉम, आप एक काम करो, डैड के लिए गरम गरम चाय बनाओ, तब तक मैं डैड को संभालता हूँ। चाय? अच्छा मैं लाती हूँ। हाँ लाती हूँ। गॉड, डैड। या, अब मैं उड़ूंगा, अब मैं उड़ूंगा, क्योंकि मैं बैटमैन हूँ। बैटमैन, यस। डैड, आप कोई बैटमैन वैटमैन नहीं है, आप एक नॉर्मल मैन हो। चलो बैठो। डैड बताओ, डैड क्या हुआ है आपको? वहां पे आपको कौन मिला था और उस नींबू में क्या था? मैं जब बाबा के पास नींबू खरीदने गया तो। अरे नींबू, कितने सारे नींबू! अरे नींबू वाले भाई साहब कैसे दिए? ए नींबू वाले भाई साहब, कमाल है, दुकान खोल कर बैठा है, आंखें बंद करके बैठा है। ग्राहक यहाँ दुकान में आ गया, भैया आंखें खोल। अरे यार क्या भाव खा रहा है? यहाँ मैं भाव ताल कर रहा हूँ तो भाव खा रहा है, देखा फिर मुझे भी ताव आ जाएगा। अरे भैया सुनो, देखो बाजार में है ना नींबू 1 रुपए का एक मिलता है, मैं तुझे 2 रुपए दूंगा। है 2 रुपए? अब तो सुन। अच्छा यार सोते रहे, मेरे को क्या है, ये ले तेरे 10 रुपए और ये 5 नींबू मैं ले लेता हूँ। अच्छे है यार, ताजे है। बेवकूफ इंसान, मेरी तपस्या में विघ्न डाला, मेरे मंत्र किए 5 नींबू ले गया। 5 दिन के अंदर तू तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। तो ये सब अघोरी बाबा के काली शक्ति की माया है। तुझे तड़पा कर जैसे ही इस घुटे का सिर मैं दीवार पर टकराऊंगा, तू दीवार पर अपना सर पटक पटक के मर जाएगा। अबे तू क्या मेरे डैड को तड़पाएगा, मैं तुझे तड़पाता हूँ। प्रोफेसर,
तू जितना ही चिल्लाएगा, चीखेगा, तड़पेगा, उतना ही मेरा मन संतुष्ट होगा। ये क्या हुआ? चला है, दूसरा, मैं तेरा हाथ तोड़ूंगा। क्या हो रहा है? दूसरा, अरे ये क्या हो रहा है? मेरी करने का असर मुझ पर क्यों हो रहा है? अब मैं तुझे मारूंगा तो खुद भी मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? प्रोफेसर, अब तुझे मारने के लिए मुझे सामने आना पड़ेगा। अबे यार, ये तो बड़ा दुष्ट बाबा है। लगता है इतना सा सबक इसके लिए काफी नहीं था। कोई बात नहीं, मैं डैड के पास भी चला जाता हूँ। प्रोफेसर, कहाँ है प्रोफेसर? सामने आ जा। अरे वतन, अपनी पगड़ी पहनना भूल गया? अरे बुढ़ऊ बाबा। अंकल, ये मेरे पापा जी नहीं है? हाँ, इसकी तो आंखें भी ज्यादा बड़ी है। मिर्जे, मिर्जे तू इतना गिर गया है कि वतन की बराबरी करने के लिए तूने उसकी जैसी दाढ़ी और बाल बढ़ा दिए। ओफो अंकल, ये मिर्जा अंकल भी नहीं है। नहीं? हाँ, प्रोफेसर साहब, ये तो वही बाबा है, वो तांत्रिक बाबा जो हमें वहाँ उस गुफा में मिला था। हाँ हाँ, और इसकी दुकान से तो मैंने वो नींबू खरीदे थे। तूने नींबू खरीदे नहीं थे मूर्ख, मेरी तपस्या भंग की थी। मेरे सामने 10 रुपया फेर, मेरे मंत्र नींबू उठा लिया था। अरे क्षमा महाराज, इनसे गलती हो गई। ये समझ रहे थे कि शायद आप दुकान लगा कर बैठे। बहुत सारे नींबू थे ना। हाँ। दुकान लगा कर बैठे सेठ और ध्यान लगा कर बैठे तपस्वी, इन दोनों का अंतर जिसे पता नहीं होता उसे जीने का कोई हक नहीं होता। अबड़म दड़म दगड़म दगड़म बो। अरे ये क्या हो गया? हम भी कच्ची गोली नहीं खेले। अब तू नहीं बचेगा, इस अग्नि शस्त्र से तू भस्म हो जाएगा। अगड़म बगड़म दगड़म बो। अरे ये अस्त्र भी मेरे हो गया। You're gonna do better than that, a gorilla. अब तू नहीं बचेगा। ये दूरी अजगर की तरह अपने लपेटे में लेकर तुम्हें खत्म कर देगी। बगड़म बगड़म बुगड़म बबड़म बा। ये अस्त्र भी मेरा फेल हो गया। अरे ये तो मेरा सबसे भारी अस्त्र था, ये कैसे फेल हो गया? ये मेरे अस्त्र मेरा ही दम घोट रहे। क्या है ना बाबा जी, मेरे जो डैड है ना, ये इसलिए इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया है। प्रोटेक्शन के लिए मैंने कवच बनाया? देखा डैड, आपकी यही प्रॉब्लम है, आप हमेशा भूल जाते हैं। मुझे मुक्त करो। तो ये बताओ, आज के बाद मेरे डैड को सताओगे? नहीं। तो ये बताओ, अपनी काली शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगे? नहीं। तो ये बताओ कि तुम एक अच्छे और भले इंसान बनोगे? नहीं। क्या? नहीं नहीं, बनूंगा बनूंगा बनूंगा। डैड, एक काम करो। हाँ? इन्हें मुक्त कर दो। अच्छा अच्छा, मैं कैसे मुक्त करूँ यार? एक चिटकन, मैं उसे कैसे मुक्त करूंगा? देखा डैड, आपकी यही प्रॉब्लम है, आप हमेशा भूल जाते हैं। देखो अब ये भी भूल गए। याद है आपने कहा था कि एक फूंक मारूंगा तो उठ जाएगा? ये इतना मोटा, एक फूंक, मेरी एक फूंक से उड़ेगा ना? डैड, आप फूंक तो मारो। अच्छा अच्छा, जरा पंप मारना। ओके। Yeah!
क्या फूंक मारी अंकल? ये फूंक मारे उसके बाद मेरा पेट एकदम खाली हो गया है। देखो श्रद्धा, फटाफट भेलपुरी बनाओ, मैं अभी नींबू लेकर आता हूँ।